अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम साकिब, आप देख रहे हो असली टेक। और गाइस आज मतलब यार मैंने मेरे चैनल के ऊपर दो दो माउस दिखाए हैं और गाइस साथ ही आज एक तीसरा माउस भी आ गया है। और गाइस तीनों माउस का एक फुल कंपैरिजन करने की कोशिश करेंगे गाइस, कौन सा लेने लायक, कौन सा सस्ता है, कौन सा महंगा है, कौन सा मिड रेंज, कौन सा कैसे काम आएगा, वायरलेस सही है, नॉन वायरलेस सही है, कौन से अंदर ग्रिप अच्छी है, सब कुछ इन डेप्थ आप लोगों को बता दिया जाएगा गाइस। भी आप लोग जो मर्जी चाहो वो माउस खरीद सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे तीनों ही माउस रखे हुए हैं। और गाइस तीनों ही माउस दोस्तों मतलब दोनों ये वाला और ये वाला दोस्तों दोनों ही वायर्ड वाले हैं। ये कोई रैंस कुछ ऐसी कंपनी का है गाइस, मतलब बहुत ही सस्ता 100 रुपये के आसपास देखने में मिलता है। यहाँ पे इसकी कंपनी है RTM कुछ है दोस्तों, आप लोगों को नज़र नहीं आ रहा होगा, हाँ आप नज़र आ रहा है, RT ऑप्टिकल माउस 5 वोल्ट 100 mAh। और गाइस यहाँ पे जो है ये वाला इनवाइन का दोस्तों, ये एक 150-200 रुपये के आसपास आप लोगों को देखने को मिलता है। और गाइस इस वाले में भी बहुत ही तगड़ा दोस्तों यार मैंने गेमिंग करा है। और गाइस उसके बाद में अभी जो मैं माउस यूज़ कर रहा हूँ ये वाला पोर्ट्रॉनिक्स का टोवर्ड 11 माउस मैं यूज़ करता हूँ। इसकी अनबॉक्सिंग रिव्यू है चैनल के ऊपर। और गाइस तीनों का जो है मतलब पूरा ही दोस्तों रिव्यू आज आप लोगों के पास लेके आ गया हूँ। तो गाइस फुल वीडियो देखना, थोड़ा सा भी स्किप मत करना और फुल कंपैरिजन करते हैं गाइस। जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हो गाइस तीनों माउस यहाँ पे रखे हुए हैं। और गाइस तीनों माउस का जो मेन कंपैरिजन है, और गाइस यहाँ पे जो तीनों ही माउस हैं गाइस, पहले तो बात कर लेते हैं इनकी जो डिज़ाइन है, जिनका जो मतलब हाथ में फील है, इन हैंड फील है, उसके बारे में बात करते हैं। तो गाइस सबसे पहले दोस्तों ये वाला माउस आता है। और गाइस ये वाला माउस जो है एकदम ही दोस्तों बेकार इन हैंड फील। और गाइस अगर आप लोग दोस्तों ज़्यादा माउस यूज़ नहीं करते, मतलब PC के लिए या तो गेमिंग के लिए यूज़ नहीं करते, और गाइस बस सिर्फ इसे आप लोग किसी CCTV में कनेक्ट करके बस रोज़ाना एक या दो बार चलाते हो, तो गाइस डेफिनेटली ये वाला मतलब यार आप लोगों के लिए वर्थ इट रहेगा। तो गाइस डेफिनेटली ख़रीदने लायक रहेगा। और गाइस बात करें तो इन तीनों का काम करने की क्वालिटी की, तो गाइस तीनों ही बेस्ट काम करते हैं गाइस। अगर आप लोग गेमिंग के लिए चाहते हो तो इन दोनों के लिए जाना गाइस, इसके लिए मत जाना गाइस, गेमिंग के लिए डेफिनेटली मत जाना। और गाइस बस अगर आप लोग यार चीप एंड चीप सस्ती मस्ती को बेस्ट बोलते हो तो मैं कुछ आप लोगों को कह नहीं सकता गाइस, इस वाले को भी आप लोग ख़रीद सकते हो। इस वाले का ज़ेब्रोनिक्स वाला का ज़ेब्रोनिक्स का वेरिएंट भी आता है, 73 रुपीज़ के अंदर देखने को मिलता है गाइस, 73 रुपीज़ के अंदर माउस, पूरा माउस गाइस, समझ रहे हो। अभी तो गाइस मैं मोबाइल के अंदर कनेक्ट करके अभी नहीं दिखाऊंगा, थोड़ी देर रुको गाइस, स्टे ट्यून्ड। और गाइस थोड़ा सा बिस्किट मत करना गाइस प्लीज़। और गाइस उसके बाद में आता है माउस दोस्तों, ये इनवाइन का एक माउस। और गाइस ये वाला भी बहुत ही तगड़ा माउस है, इसका जो केबल भी है ये भी बहुत ही लंबा केबल है। और गाइस इसके अंदर ना एक चीज़ मुझे तगड़ी लगी है, ये जब आप लोग उंगली रखते हो ना, थोड़ा सा जो इसका बटन का जो यहाँ पे होता है, इसके अंदर थोड़ा सा डीप यहाँ पे है, जैसे आप लोग उंगली को रेस्ट कर सकते हो, तो गेमिंग के अंदर मुझे तगड़ा लगा है। और गाइस जो स्क्रोलर भी है बहुत ही तगड़ी क्वालिटी का है, और कलर कॉम्बिनेशन देखो आप लोग, बहुत ही तगड़ा कलर कॉम्बिनेशन के साथ। और यहाँ पे जो है इसका जो सेंसर है वो वाला है। और गाइस जो मतलब माउस पैड पे, कोई भी माउस पैड पे चल जाएगा। और गाइस बहुत ही तगड़ा दोस्तों मुझे लगा है। और गाइस क्लिक्स की इसके बहुत ही तगड़े हैं, 5 मिलियन के आसपास एक ये देता है क्लिक्स का, मतलब अभी ज़िंदगी का ही भरोसा नहीं है 5 मिलियन क्लिक्स कहाँ पे करेंगे। उसके बाद में यहाँ पे है पोर्ट्रॉनिक्स का टोवर्ड 11 माउस, ये वाला अल्टीमेट है गाइस, अल्टीमेट माउस है गाइस। बस यार इसके अंदर यार जो है ये वाला जो बटन है ये काम नहीं करता, कनेक्ट करने पे लाइट जलती है, उसके बाद में ऑफ ही रहती है। इसका एडवांटेज है वायरलेस माउस है इसके अंदर, ये एक ही ये वाला यूज़ करता है सेल, बाकी सारे तो दो दो यूज़ करते हैं, तो एक सस्ती मस्ती में काम चल रहा है। और DPI का बटन भी आप लोगों को देखने को मिलता है, पोर्ट्रॉनिक्स की ब्रांडिंग यहाँ पे है। और गाइस मेरे हाथों में ना पसीना बहुत ही ज़्यादा आता है, और गाइस यहाँ पे जैसे आप लोग देख सकते हो पसीने के दाग यहाँ पे आ रहे हैं। ये अगर इस वाले ब्लैक माउस पे होता तो कुछ भी नज़र नहीं आता गाइस, और इस वाले पे जो है कुछ भी आप लोगों को नज़र नहीं आ रहा होगा, और गाइस इस वाले पे जो है नज़र आ रहा है, मतलब माउस ख़राब हो जाएगा गाइस कलर के वजह से। और गाइस इसके अंदर और कलर है या नहीं मालूम नहीं है, लेकिन दोस्तों इसके अंदर ब्लैक कलर हो तो गाइस तगड़ा होता, और यही सेम कॉम्बिनेशन होता तो गाइस बेस्ट रहता। और गाइस इसके अंदर जो लाइटिंग का रिफ्लेक्शन भी है ना, बहुत ही तगड़ा नज़र आ रहा है ना, इसके अंदर वो सब कुछ नहीं है, इसके अंदर भी है लेकिन वाइट होने के वजह से नज़र नहीं आता। और गाइस उसके बाद में बात करते हैं वेट की, तो गाइस
प्राइस पॉइंट के हिसाब से वेट है, ये एकदम ही हल्का है, ये थोड़ा सा भारी है, ये सबसे भारी है क्योंकि इसके अंदर बैटरी डलती है। तो गाइस वेट कंपैरिजन भी हो गया। तो गाइस इसका केबल दोस्तों सेम ही है इन दोनों केबल्स के बराबर। तो गाइस इसका जो केबल है 10 मीटर से, केबल नहीं है डोंगल आता है इसका, जिन्हों मालूम नहीं है वायरलेस माउस में एक डोंगल आता है ऐसे वाला, तो इससे ये चलता है। तो गाइस अभी जो है हम लोग चेक करेंगे इसको पूरे ही मोबाइल के अंदर कनेक्ट करके, तो आप लोगों को दिखा देता हूँ, आप लोगों को तसल्ली हो जाएगी। और गाइस आपकी मर्जी जो माउस चाहो वो खरीद सकते हो, और मैं मोबाइल लेके आता हूँ। जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हो गाइस मैं लेके आ गया हूँ M01 Core यहाँ पे, और गाइस ये वाला फ़ोन आप लोगों को मैंने रिव्यू रख दिया है, आप लोग देख सकते हो। और गाइस अभी OTG कहाँ पे गया गाइस, यार OTG हाँ मिल गया गाइस, रुको जरा सब्र करो, यहाँ पे जो है अपना OTG रखा हुआ है, ये रखा हुआ नहीं है मेरे हाथ में, जैसे आप लोग देख सकते हो इसका भी रिव्यू डाला हुआ है चैनल के ऊपर। तो गाइस यहाँ पे ये जो है आप लोग देख सकते हो, पहले हम लोग ये वाला सस्ती मस्ती माउस कनेक्ट करने वाले हैं। गाइस आप लोगों को दिख ही जाएगा कि ये कनेक्ट हो रहा है या नहीं, तो लाइट ऐसे ही उल्टा रखने वाला हूँ। और गाइस यहाँ पे जो है इसको OTG के अंदर लगा देते हैं, और लगा दिया, अभी दोस्तों मोबाइल के अंदर लगा देते हैं। एंड 3, 2, 1 लाइट जल गई गाइस, लाइट जल गई। और गाइस यहाँ पे जो है माउस पॉइंटर दिख रहा है। तो गाइस डेफिनेटली स्मूथ है, आप लोग अपने फ़ोन में इसका जो मूवमेंट स्पीड है वो सेट कर ही सकते हो। और गाइस डेफिनेटली जो है मतलब मेरे हाथ में दोस्तों ये इतना तगड़ा फील नहीं कर रहा है, इसका जो स्क्रोलर भी है इतना खास मुझे लगा नहीं गाइस, एकदम ही बेकार ऐसा लग रहा है, क्योंकि इतने प्रीमियम माउस में यूज़ कर रखा हूँ, तो गाइस थोड़ा चीप फील कर रहा है। और गाइस उसके बाद में बात करते हैं इनवाइन की माउस की। तो गाइस अभी कनेक्ट कर लेता हूँ इनवाइन के माउस को भी, निकाल लिया इसको तो फेंको यार। यहाँ पे ये वाला है अपना इनवाइन के माउस का जो वायर है, तो गाइस इस वाले को भी यहाँ पे मैं लगा देता हूँ, और इस वाले में भी जो है लाइट जल गई। और गाइस भैया किया होंगे इसमें नहीं आ रहा ये, एक मिनट रुको गाइस सीधा सेट करके देखता हूँ। गाइस जैसे आप लोग देख सकते हो माउस पॉइंटर आ गया है, और गाइस डेफिनेटली काम कर रहा है। और गाइस इन हैंड फील भी तगड़ी है गाइस, वैसे ये वाला स्क्रोलर भी बहुत ही तगड़ा है, राइट क्लिक बैक के लिए काम करता है। और गाइस मुझे बहुत ही अभी दोस्तों तगड़ा फील आ रहा है यूज़ करने में। और गाइस दोस्तों कंफर्ट दोस्तों हाथों में तगड़ा है। और गाइस जो क्लिकिंग के लिए यहाँ पे जो गड़ा दिया हुआ है अपने हाथों के लिए ये वाला भी है, तो गाइस डेफिनेटली तगड़ा है। उसके बाद में दोस्तों अपने वायरलेस माउस को कनेक्ट करते हैं टॉड 11 को, उसका जो डोंगल होता है यहाँ पे है, और ऐसे यहाँ पे आप लोगों को इसे फिक्स कर देना होता है। बस गाइस ऐसे क्लिक करोगे तो गाइस ये ऑन हो जाता है, इसके अंदर जो ऑन ऑफ बटन है वो नहीं काम करता। और गाइस यहाँ पे जो है जैसे मैं अगर स्वाइप अप करूँगा, और गाइस इसकी भी इन हैंड फील बहुत ही तगड़ी है, और गाइस बहुत ही तगड़ा स्क्रोलर है वो काम कर रहा है। और गाइस यहाँ पे ठीक ही काम कर रहा है गाइस, ऑब्वियसली ये वाला माउस दोस्तों तगड़ा है। और गाइस अभी बात करते हैं कौन सा लेना चाहिए कौन सा नहीं लेना चाहिए। तो गाइस अभी बता देता हूँ, अगर आप लोग CCTV जो मतलब यूज़ किया जाता है, अगर आप लोग CCTV वगैरह CCTV में यूज़ करना चाहते हो, तो गाइस दिन में 2 या 3 बार ही ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करोगे, तो गाइस ये वाला आप लोग लेना गाइस। ये वाला दोस्तों 70-80 रुपये के आसपास आता है, लेकिन आप लोग दोस्तों CCTV को दूर रखे यूज़ करना चाहते हो तो डेफिनेटली इस वाले के लिए जाना पड़ता है। और गाइस अगर यहाँ पे बात की जाए तो इस वाले की, ये वाला दोस्तों यार PC के लिए बेस्ट है। और गाइस गेमिंग वेमिंग तो चल ही जाएगी, लेकिन दोस्तों गेमिंग माउस आप लोग यूज़ कर सकते हो अगर आप लोग बहुत ही तगड़ी गेमिंग करते हो, या तो दोस्तों ठीक ठाक गेमिंग के लिए ठीक ठाक माउस है। और गाइस ये वाला जो है वायरलेस माउस है, जब आप लोगों की PC से बहुत ही ज़्यादा दूरी है तो गाइस ये वाला यूज़ कर सकते हो। और गाइस ये दोनों के अंदर कुछ खास फ़र्क नहीं है, फ़र्क ही नहीं है समझ लो गाइस, बस वायर का वायरलेस का है, और ये वाला बस चीप फील करने के लिए माउस है। तीनों ही माउस यार ठीक है, लेकिन दोस्तों ऑब्वियसली मैं दोस्तों इस वाले को रिकमेंड करूँगा, क्योंकि दोस्तों यार मुझे ज़्यादा तगड़ा लगा, महंगा है इसलिए। कैसा लगा मेरा मजाक? गाइस जैसे आप लोग देख सक रहे हो मेरे सेटअप के ऊपर इतना बड़ा पहाड़ नज़र आ रहा होगा आप लोगों को, ये वाला पहाड़ दोस्तों ये डेफिनेटली आप लोगों को अभी समझ में आ ही गया होगा। यहाँ पे जो मोबाइल को रख के दोस्तों इसके ऊपर मैं ये वाला रख के दोस्तों इतना वेट रख के यहाँ पे जो है ऊपर का कैमरा का रख रहा हूँ गाइस, समझ रहे हो गाइस कैसा है जुगाड़, नीचे कमेंट करके बताना।
तो बाय।